आकर बैठे, हमें भी मौका दिया जाए। आप लोग तो एक ही बात के पीछे लगे हुए हैं। जी जी, आप बात जारी रखिए, मैं लिख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सबका। आप ये बनते बिनते मरियम मरियम और ये आपका यानी कि कौन सा मकबे फिक्र के किन आलमे दीन के आप यानी के फॉलो करते हैं? जी आपका कुरान को तो सब मुसलमान है, जो भी मुसलमान है वो फॉलो करता है, उसमें ये तो नहीं है कि अच्छा मुझे एक सवाल करना है कि क्या हमारे हमारे रसूल ने, हमारे नबी ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कोई फिरका दिया? अच्छा, क्या उन्होंने कहा कि आप ये बोलो कि आप इस फिरके से हैं? मैंने आपको फिरके का नाम ही ला, मैंने आपसे ये कहा कि आप किस मकातबे फिक्र से, किस मदरसे से पढ़े हुए हैं या किस मदरारस से या मकतब से आपने इलम हासिल किया है, या कौन से आपके यानी के पीछे मतलब आपका इंस्टीट्यूट है। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं फिरके की बात नहीं कर रहा भाई जान। ये बताइए, बात करते हुए बात करने दिया करे, फिर मैं चुप कर जाऊंगा, आप जवाब दे दिया। बोलिए बोलिए, मैं बोलिए। हाँ जी, मैंने बोल दिया है अभी आपको, आप बात करे, मेहरबानी जवाब दे। आप कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, किस स्कूल से? अगर आपको मकतबे फिक्र का नहीं पता तो फिर मैं इसीलिए आपकी सहानी के लिए कह रहा हूँ कि कौन से मदरसे से आप पढ़े। सवाल दो लाइनों का होता है ना, 200 लाइन का सवाल थोड़ी था। मुझे ये बताइए कि इस्लाम कबूल करने के लिए और मुसलमान होने के लिए कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी स्कूल ऑफ थाट से आपको पढ़ना है और किसी स्कूल ऑफ थाट को आप आपने मानना है तभी आप मुस्लिम है? बल्कि कुरान तो ये बेहतरीन सवाल, मतलब बेहतरीन सवाल, सही कहा। ये नहीं लिखा हुआ कि आप इलम हासिल नहीं करो। हाँ जी जी, सुनाए सुनाए। मतलब आपका कहने का मतलब ये एक बात की समझ है, आपका मतलब है कि खुद आप कर सकते हैं लेकिन किसी मकबे फिगर से या मदरसे स्कूल से इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है। इन्नल्लज़ीना फर्रकुला दीनहुम, की पूरी आयत है कि ऐ नबी जिसने दीन में फिरके बनाए और ग्रोहों में बट गए, ऐ नबी तेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। भाई मैं आपसे मदरसे के बारे में जी मेरा जवाब दे दें, आपकी मेहरबानी है। मैं आपसे इलम सीखने आया हूँ, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। नमाज का आपने नहीं बताया। अच्छा, मैं मेरा ये आपसे सवाल है कि कुरान पाक में कहाँ पे है कि ज़कात कितनी फर्ज है, किस माह पे फर्ज है? यार मुझे पता हो कि मैं आप किस इंस्टीट्यूट से, किस मकान पे फिगर से एक तलग रखते हैं, आपका कोई बुनियादी बुनियादी बाबा को भाई साहब, ये करें। नहीं नहीं, ये भाई जुमेरी भाई जवाब ये कर लें। क्यों बोले जा रहे हैं
देखें यार इसको एक मिनट इसको बात इसको सुने, कंप्लीट होने दे, फिर क्वेश्चन करें भाई प्लीज। सूरत कोई बात आप लोग सुन लीजिए, पूरी बात क्वेश्चन कर दिया और जवाब दे दें। आप लोग बिल्कुल म्यूट करें, 10-15 मिनट उनका जवाब सुने तो, उसके बाद तो, जी तो हमारा हमारा मकतबा फिक्र ये है जो मैं अब आपके आपको कहने जा रहा हूँ, सूरह आल इमरान 103, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह ताला के सब के सब अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रको फ़िरकों में ना बढ़ जाओ, वज़्कुरु नेअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, और अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो जब तुम आपस में दुश्मन थे। आज अलग अलग फ़िरके सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, अल्लाह कहते हैं इन दुश्मनी को मिटा दो, ख़त्म कर दो, ठीक है, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। तो पता चला कि ये दुश्मनी मिट नहीं